तो यदि तुम्हें लैंग्वेज सीखना है तो इससे पहले ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी सीख लेना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक ये सब क्या होते हैं। यार बाइनरी सर्च काफ़ी हॉट टॉपिक है, इसके एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है कि या तो ऑनलाइन टेस्ट में आ जाता है या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा पाइथन चूज मत करना, क्योंकि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती पाइथन में कोड लिखने को। एवरीवन, माई सेल्फ विशेष, आई एम प्री फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट एट IIT धनबाद एंड आई एम गोइंग टू ज्वाइन फ्लिपकार्ट एज एन ST इंटर्न इन द कमिंग समर। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए DSA को मास्टर करने के लिए। हम देखेंगे कि किस ऑर्डर में हमें टॉपिक्स प्रैक्टिस करने चाहिए एंड कौन सा टॉपिक है जो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर किस टॉपिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो कई बार पूछे जा चुके हैं इंटरव्यूज़ में। एंड इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड तुम क्लियर हो जाओगे कि तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए। एंड अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर यू विल मास्टर DSA। सो वॉच टिल द एंड। भाई सबसे पहले तो तुम कौन सी लैंग्वेज चूज करोगे? सो लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हो, C++, जावा या फिर C। मैं सजेस्ट करूंगा पाइथन चूज मत करना, क्योंकि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती पाइथन में कोड लिखने को जब तुम ऑनलाइन टेस्ट देते हो या फिर जब तुम इंटरव्यू में होते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि तुम C++ या फिर जावा में लिखो। सो तुम C++ और जावा में से देख लेना, एंड इन दोनों में से भी अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है फर्दर तो C++ पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि उसमें कुछ STL होता है, स्टैंडर्ड टेम्पल लाइब्रेरी, उससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो आई थिंक C++ कर लेना, लेकिन अगर तुमने जावा ऑलरेडी सीख रखी है तो जावा में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो पहला टॉपिक है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। जो पहला टॉपिक तुम करोगे वो है एरे एंड स्ट्रिंग्स। तो इसमें पहले तो बेसिक क्वेश्चन एरे एंड स्ट्रिंग्स के जो होते हैं, लाइक एरे में एलिमेंट फाइंड करना सिंपली बेसिक एल्गोरिथम से, या फिर एलिमेंट या फिर एरे चेक करना पैलिंड्रोम है या नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेना। एंड उसके बाद आती है एरे की एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम, कंटेन्स एल्गोरिथम। तो उसमें क्या होता है, हमें बेसिकली जो सब एरे होता है ना वो मैक्सिमम सम सब एरे ढूंढना होता है। तो उसके लिए एल्गोरिथम काफ़ी फेमस है, कंटेन्स एल्गोरिथम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एरेज एंड स्ट्रिंग्स में आते हैं स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन। तो तुम्हें बोल देते हैं कि तुम्हें फाइंड करना है एक के लेंथ की विंडो जिसमें कोई भी चीज़ मैक्सिमम, या फिर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हों, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स आ रहे हों। तुम्हें ऐसा कुछ भी बोल देते हैं कि के विंडो, फिर के साइज़ की विंडो फाइंड करनी है जिसमें कुछ मैक्सिमम हो, वो तुम्हें बता देते हैं। एंड उसके बाद आता है टू पॉइंटर वाले क्वेश्चन। तो टू पॉइंटर तुम्हें पता ही है, एक पॉइंटर स्टार्ट एंड एंड रख के फिर दोनों तरफ से ट्रैवर्स करते हैं। एंड देन एक और एल्गोरिथम होती है डच नेशनल एल्गोरिथम। तुमने वो क्वेश्चन करा होगा 0 1 2 सॉर्ट। एक एरे दिया है उसमें कुछ जीरोज़ हैं, कुछ वंस हैं एंड कुछ टूज हैं, तो उनको हमें सॉर्ट करना होता है। तो उनको हम कैसे करते हैं, एक स्टार्ट एक एंड एक मिड पॉइंट लेके करते हैं ना, तो उसी को डच नेशनल एल्गोरिथम बोला जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एरेज एंड स्ट्रिंग्स के हिसाब से। एंड अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो जनरली 2D एरे तक ही हमारा बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3D पर नहीं जाया जाता। एंड मल्टी डायमेंशनल में पहले जो टॉपिक आता है वो है ट्रैवर्सल बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हें बोल दिया जाता है कि ये 2D एरे है, इसका वेव प्रिंट करो। जैसे पहले टॉप से बॉटम जाओ, फिर देन बॉटम से टॉप जाओ, फिर टॉप से बॉटम, ये वेव प्रिंट होता है। एंड या फिर कभी बोल दिया जाता है स्पाइरल प्रिंट करो, तुम्हें 2D एरे दिया उसका स्पाइरल प्रिंट बताओ। तो ये सारे ट्रेवर्सल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड कुछ रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं 2D एरेज में। रोटेशन में क्या होता है, तुम्हें बोल दिया जाता है अगर इस 2D मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट किया कर दिया जाए तो बताओ फाइनल मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, या फिर इसका ट्रांसपोज निकालो। सो ये सारे जो क्वेश्चन है ये 2D मैट्रिक्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं ये। सो ये हमारा एरेज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज हो गया। नाउ हम बात करते हैं कुछ रिकर्सन एंड बैक ट्रैकिंग की, राइट? सो रिकर्सन के तुम बेसिक क्वेश्चन अभी कर सकते हो, लाइक फैक्टोरियल हुआ या फिर फिबोनाची हुआ, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं ना रिकर्शन में, तुम ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हार्ड मत करना, क्योंकि अदरवाइज तुम वहीं पे रुक जाओगे, तुम्हें डाउट आने लगेगा। अभी हार्ड मत करना।
सो तुम एक डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है जो बेसिकली मर्ज सॉर्ट में यूज़ होती है, क्यूब सॉर्ट में यूज़ होती है। सो बेसिकली हम एरे को डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ में, एंड देन फिर उसको वो वाला हाफ अलग कर देते हैं और अदर हाफ अलग कर देते हैं, फिर सेम काम उसी पे करते हैं। सो बेसिकली ये रिकर्शन को यूज़ करता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। एंड नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो तुम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है ना जो स्टैंडर्ड वाली, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, तुम इन सभी को एक बार पढ़ लेना। ये है तो ईजी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट रहेगी। जैसे यदि एरे सॉर्टेड दिया है तो कैसे पता करें कि एरे सॉर्टेड है, तो उसमें इंसर्शन सॉर्ट ऑर्डर ऑफ एन में पता कर देते हैं। तो इस तरह से तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गोरिथम कहाँ पे ठीक रहेगी। एंड जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च। यार बाइनरी सर्च काफ़ी हॉट टॉपिक है, इसके एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है कि या तो ऑनलाइन टेस्ट में आ जाता है या फिर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक तो एल्गोरिथम तो एक ही है, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी जगह है। सो इसकी एप्लीकेशंस एरेस पर भी आ जाती है, सिंपल एरेस पर, या फिर इसकी एप्लीकेशन आई थिंक मैट्रिक्स में भी आ जाती है। मैट्रिक्स में भी तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो यदि पूरी रो सॉर्टेड है एंड कॉलम्स भी सॉर्टेड हैं। एंड तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक बेसिकली मोनोटोनिकली स्पेस चाहिए ना, या तो पूरी इंक्रीजिंग हो या फिर पूरी डिक्रीजिंग हो। तो बाइनरी सर्च की एप्लीकेशंस भी तुम देख लेना। इसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे अग्रेसिव काउस, पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम एंड बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, ये गूगल इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस हम थोड़ा बहुत डाटा स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। सो पहला डाटा स्ट्रक्चर आता है लैंग लिस्ट। तो यदि तुम्हें लैंग लिस्ट सीखना है तो इससे पहले ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी सीख लेना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्राइवेट पब्लिक ये सब क्या होते हैं। सो थोड़ी बहुत ऊप्स पहले सीख लेना लिंग लिस्ट से पहले। तो लिंग लिस्ट में यदि मैं बात करूँ तो रिवर्सल प्रॉब्लम सबसे पहले आती हैं कि लिंग लिस्ट को रिवर्स करना है। इसकी तीन चार वे हैं लिंग लिस्ट को रिवर्स करने के, एंड तुम्हें पता होना चाहिए बेस्ट वे कौन सा है, ठीक है। एंड दूसरा आता है कि लिंग लिस्ट को मॉडिफाई करना, लाइक तुम्हें किसी नोट को डिलीट करना है, कोई मिडल नोट को डिलीट करना है, या फिर कहीं पे नोट इंसर्ट करना है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मॉडिफाई लिंग लिस्ट वाली। और एक होती है यार स्लो एंड फास्ट पॉइंटर लिंग लिस्ट में, ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि तुम ना दो पॉइंटर्स रखते हो स्लो एंड फास्ट, और तुम्हें मिडल पे पहुंचना होता है। तो मिडल पे तुम कैसे पहुंचते हो, फास्ट को तुम टू टाइम्स मूव करवाते हो एंड स्लो को एक टाइम। सो तुम फाइनली जो तुम्हारा स्लो पॉइंटर होता है ना वो मिड पे पहुंच जाता है जब फास्ट एंड पे होता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम एंड काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। इसका बेस्ट यूज़ होता है जब हमें फाइंड करना होता है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं, लिंक लिस्ट में साइकिल है या नहीं, ये फाइंड करने के लिए इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। और ये भी तुम देख लेना कि हाउ टू फाइंड अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो स्टैक्स एंड क्यूज़ आते हैं हमारे। तो पहले तो स्टैक्स एंड क्यूज़ में इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग एरे, या फिर स्टैक को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग क्यू, या एंड सिमिलरली क्यू को इम्प्लीमेंट करो यूजिंग स्टैक या फिर दो स्टैक। ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं इम्प्लीमेंटेशन की स्टैक्स एंड क्यूज़ पे। और इनकी एप्लीकेशन तो तुम्हें भी पता है कि अनलिमिटेड है। स्टैक्स की एप्लीकेशन कैसे, मोनोटोनिक स्टैक, मतलब या तो इंक्रीजिंग वे में या फिर डिक्रीजिंग वे में ही हम अपने एलिमेंट्स को स्टैक में रखते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एक तो वो रेन वाटर वाला क्वेश्चन होता है कि तुम्हें मतलब बेसिकली टावर्स दिए हैं और उनके बीच में बताओ कितना पानी इकट्ठा होगा। एंड एक क्वेश्चन होता है हमारा आई थिंक हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन होता है जिसमें एरिया बताना होता है मैक्सिमम कहाँ पर होगा, किन दो हिस्टोग्राम के बीच में एरिया मैक्सिमम होगा। ये कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टैक्स के, तो ये कर लेना। एंड स्टैक का एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो होता है एस्ट्रॉयड कोलिजन, कुछ एस्ट्रॉयड्स राइट मूव कर रहे हैं, कुछ लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो हमें फाइनल स्टेट बतानी होती है आफ्टर कोलिजन्स के, फाइनल हमारे एरे में कितने एस्ट्रॉयड्स बचेंगे और कौन कौन से बचेंगे। नाउ लेट्स मूव टू ट्रीज। सो ट्रीज को हम तीन वे से देख सकते हैं। एक तो जनरल ट्रीज होते हैं, एन एरे ट्रीज जिसमें किसी भी नोड के एन चिल्ड्रन हो सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे बाइनरी ट्रीज जिसमें एक नोड के मैक्सिमम टू चिल्ड्रन ही हो सकते हैं, तीसरा होता है बाइनरी सर्च ट्रीज। तो ये ट्रीज के बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ ट्रीज है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रैवर्सल बेस्ड होता है कि ट्री को तुम ट्रैवर्स कैसे करोगे, जैसे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये तीन ट्रैवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ट्री के वे से देखा जाए। एंड एक लेवल ऑर्डर भी होता है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। तो एंड दूसरा इसमें जो टॉपिक आता है वो रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज, मतलब तुम्हें बोल देते हैं कि ये प्री ऑर्डर है और ये इन ऑर्डर है, तो बताओ इससे तुम ट्री बना सकते हो या नहीं, या फिर तुम्हें दो चीज़ें दे देते हैं या फिर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दे दिया तो बोल देते हैं कि ट्री बनाओ, ठीक है। ये बेसिकली तीनों ट्रीज के लिए एप्लीकेबल रहता है, बी एस टी, बाइनरी ट्री
और या फिर अपना सिंपल ट्रीज के बारे में, ठीक है। एंड पाइनी ट्रीज में यार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि व्यू ऑफ अ ट्री, लाइक तुम राइट व्यू बताओ ट्री कैसा दिखेगा, यदि तुम राइट से देख रहे हो, तुम लेफ्ट से देख रहे हो तो ट्री कैसा दिखेगा, या फिर तुम टॉप से देख रहे हो तो ट्री कैसा देखा, ये व्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं बाइनरी ट्रीज में। एंड यदि बाइनरी सर्च ट्री में बात करूँ तो उसमें ना एक डिलीट वाला और इंसर्ट वाला काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं कि तुम किसी नोड को इंसर्ट करना चाहते हो तो कहाँ पर इंसर्ट होगी, तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो करंट नोड से छोटी है बड़ी है, छोटी है तो उसके लेफ्ट में जाएगी, बड़ी है तो उसके राइट में जाएगी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बीएसटी में। एंड एक बात ध्यान रखना, बीएसटी की में जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन आ सकती है, क्योंकि ये हाइट बैलेंस्ड नहीं होता हमेशा, तो तुम्हें इसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है एबीएल ट्रीज में। एबीएल ट्रीज क्या होते हैं या फिर रेड ब्लैक ट्रीज, वो हमेशा बैलेंस्ड होते हैं और उनमें कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही रहती है। तो ये तुम थोड़ा सा एबीएल ट्रीज एंड रेड ब्लैक ट्रीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना और उनका उनकी एप्लीकेशन देख लेना, क्योंकि ये जनरली पूछा जाता है कि बीएसटी और एबीएल ट्रीज में क्या डिफरेंस है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि वहाँ पे हाइट बैलेंस रहती है और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ लॉग एन रहती है। यार एक और टॉपिक की बात करेंगे, प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स। यार ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पहले तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से आनी चाहिए। तुम्हें हीप सॉर्ट भी पढ़ा होगा, उसमें इसका ही यूज़ रहता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हीपीफाई, अप हीपीफाई, डाउन हीपीफाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें वर्किंग पता होनी चाहिए, तुम पेपर पे लिख के समझा सको, इतना तुम्हें आना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन तो ऑब्वियसली तुम्हें आनी ही चाहिए। एंड दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है ना प्रायोरिटी, क्योंकि ये के बेस्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तुम्हें बोल दिया जाता है कि तुम्हें कोई भी तीन नंबर मैक्सिमम बताने हैं किसी भी टाइम पे। तुम्हें एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स दे दिया, बोल दिया तुम्हारे पास नंबर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं कि कौन से टॉप थ्री नंबर्स हैं जो अभी तक आ चुके हैं, मतलब मैक्सिमम थ्री नंबर्स। सो बेसिकली के बेस्ड प्रॉब्लम्स में प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहती है। और यार कभी कभी पता नहीं चलता प्रायोरिटी क्यू एंड हीप्स यूज़ होगा, ये टॉपिक यूज़ हो जाता है, बीच में से निकल के आ जाता है, कहीं भी ये यूज़ हो जाता है। सो ये टॉपिक भी तुम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, के बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ मेजर टॉपिक ग्राफ्स की बात करते हैं। यू ऑल नो दैट इट इज़ अ हॉट टॉपिक एंड आस्क इन मैनी कंपनीज। सो यार ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले ग्राफ को स्टोर कैसे करना है, तुम एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ कर सकते हो या फिर एडजेसेंट मैट्रिक्स, राइट। ये दो तरीके हैं ग्राफ को स्टोर करने के। एंड उसके बाद आता है ग्राफ ट्रेवर्सल, DFS एंड BFS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आने चाहिए। एंड उसके बाद DFS एंड BFS को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। तो ग्राफ्स में जैसे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि मैट्रिक्स को कैसे ट्रेवर्स करना है, यदि वो गिवन है कि वो ग्राफ है तो उसमें DFS एंड BFS कैसे लगाते हैं मैट्रिक्स में, ये तुम कर लेना। एंड दूसरा ग्राफ्स में इंपॉर्टेंट होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते हैं, इसकी दो एल्गोरिथम्स है, प्रिम्स एंड क्रूस्कल्स एल्गोरिथम, तो उनमें से कोई भी एक कर लेना, मैं प्रिम करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालते हैं ग्राफ में, तो इसके लिए एक तो BFS यूज़ होता है, वो कंडीशंस होती हैं कि कहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम यूज़ होगी, BFS, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम एंड एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होती है, ये तीन कर लोगे ये इनफ है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। एंड ये तीनों की कंडीशन होती है कि ये कहाँ पे लगेंगे, कुछ कुछ कंडीशन होती है वो तुम देख सकते हो, राइट। और एक होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसको हम DFS से भी कर सकते हैं एंड BFS से भी, तुम दोनों वे देख लेना कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ के टोपोलॉजिकल सॉर्ट को, तो ये बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ में ही लगता है, राइट। एंड उसके बाद ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, तो ये बेसिकली ग्राफ एल्गोरिथम्स है। तो गाइस नाउ अनदर हॉट टॉपिक इज द DP, डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो तुम सभी को इसमें प्रॉब्लम आती होगी, लेकिन यार इसको सिस्टमैटिक वे से करो। तुम जब पहली बार DP कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार में जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो बना दोगे, नहीं समझ में आता पहली बार में, मेरे को भी नहीं आया था। सो ये थोड़ा हार्ड टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तुम्हें खुद से फील आने लगेगी इस टॉपिक की। तो तुम क्या करो, सबसे पहले जो पढ़ाया जा रहा है जहाँ से भी तुम कोर्स कर रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, उन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, उन क्वेश्चन को समझो, टीचर से समझो कि ये कैसे करवा रहे हैं, जैसे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाते हैं LIS, ठीक है, और हमारा एडिट डिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालनी, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ये तुम एक बार सीखो। तो उसके बाद तुम क्या करो ना, हैकर अर्थ पर ना इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सभी तरह के क्वेश्चन हैं, एंड 1D
लाइक 1D DP, 2D DP, तो ये सारे क्वेश्चंस है, तुम पहले वहां से प्रैक्टिस करो 1D DP। यदि 1D DP की बात करूँ ना, तो वहां पे LIS वाली एल्गोरिथम काफी यूज होती है, डीपी की जो LIS वाली एल्गोरिथम है। एंड उसके बाद यदि 2D DP की बात करूँ, तो वहां पे LCS या फिर अडी डिस्टेंस वाली एल्गोरिथम यूज होती है। एंड ये है बेसिक DP। यदि थोड़ा सा ऊपर जाओ तो DP ऑन ट्रीज, ये यार काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये DP ऑन ट्रीज। इसके क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे भी एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से तुम DP ऑन ट्रीज प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड DP विद बिट मास्किंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेना। सो ये आई थिंक मेन है, 4-5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं DP में, ये कर लो तुम्हारा हो जाएगा, राइट। एंड ये टाइम लेगा यार, ऐसे आसानी से नहीं होगा, टाइम लेगा, लेकिन तुम आराम से करो तो तुम्हारा हो जाएगा। एंड इसके बाद यार कुछ रिकर्शन के और बैक ट्रैकिंग के हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे NQIN, ठीक है, या फिर रेटिना मेज, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मतलब बैक ट्रैकिंग की क्वेश्चन ही है ये, और ये कई बार इंटरव्यू में यदि पूछ लिए जाए ना, और अगर हमारी प्रैक्टिस ना हो तो वहाँ पे कोड नहीं होंगे, क्योंकि इतना फास्ट होता है ना कि तुमसे सोचा ही नहीं जाता कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर कुछ टॉपिक्स मैं मिस आउट कर रहा हूँ, जैसे हैश मैप्स या फिर ट्राइज भी इंपॉर्टेंट है, ट्राइज इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, लाइक तुम्हें कुछ सर्च करना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट सर्च बनाना है, तो वहाँ पर ट्राइज का बहुत यूज़ होता है। हैश मैप मैंने बता ही दिया तुम्हें। एंड कुछ स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स है, स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स में एक एल्गोरिथम कर लेना, KMP एल्गोरिथम, तो वो तुम्हें बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करती है, तो तुम एक एल्गोरिथम हमेशा याद ही रखना स्ट्रिंग एल्गोरिथम की। सो गाइज, तुम ये सब जो टॉपिक मैंने बताया ऊपर से लेके नीचे तक, ये सभी कर लेना, इतने डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, टाइम लगेगा, टाइम तुम देना आराम से, तो यदि तुम इनको करोगे ना, और जो मैंने टॉपिक के क्वेश्चंस बताए हैं ना, वो मत छोड़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से तुम उस टॉपिक को सीखोगे, तो आई थिंक तुम्हें DSA में मास्टर करने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, राइट। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करना, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक गुड प्लेसमेंट्स, राइट। सो ऑल द बेस्ट।